के साथ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो लीगल डेवलपमेंट्स हुए हैं एट द बैक ऑफ सम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स वो आप लोगों के सामने डिस्कस करूं, आपके साथ में शेयर करूं। मेमोरियल लेक्चर्स का हमेशा से एक ट्रेंड रहा है और वो ट्रेंड इस प्रकार का होता है कि वो व्यक्ति जो लीगल फील्ड से जुड़ा हुआ था उसको याद करते हुए हम जो लीगल डेवलपमेंट इस देश के अंदर में हाल फिलहाल में हुए हैं उनका पब्लिक पर क्या इम्पैक्ट होता है इसके ऊपर विचार करें, इसके ऊपर अपने विचारों का आदान प्रदान करें। ये कहानी शुरू होती है 1971 से। मैं कोशिश करूंगा कि इस लंबी कहानी को छोटा करूं आपके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि थोड़ी देर में मुझे भी चिट्ठी मिलनी है। तो इससे पहले कि वो चिट्ठी मिले मैं कोशिश करता हूं कि अपनी इस लंबी बात को कट शॉर्ट कर दूं। शुक्रिया अदा करना होगा मुझे आपका। 1971 से ये बात शुरू हुई। 1971 के साथ में आपको याद हुआ होगा, याद आ रहा होगा कि बांग्लादेश का गठन हुआ। अब वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या फैक्टर्स थे, उसके अंदर में जाने की आवश्यकता नहीं। बांग्लादेश के बनने के बाद में जैसा कि नए देशों के साथ में होता है और खास करके बांग्लादेश के साथ में था, एक पूर कंट्री जहां पर रोजी रोटी के साधन थोड़े, जहां पर हर साल में सैलाब आता है और बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर जाता है, तो मुश्किल ये हो गई कि आदमी है उसको तीन वक्तों की रोटी तो चाहिए, फिर वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो। कहते हैं इंसानी दर्द का कोई धर्म नहीं होता, वो दर्द मुसलमानों का भी है, वो दर्द हिंदुओं का भी है, वो दर्द हमारे दूसरे मजहब के मानने वालों का भी है। अब इन लोगों ने जब ये देखा कि इस देश के अंदर में रहते बसते हुए हमारे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, तो ऐसे में नेचुरली जो ग्रीनर पैश्चर्स होते हैं, जो ज़रख़ेज़ ज़मीनें होती हैं, उनकी तरफ लोग निकल आते हैं। और बांग्लादेश से जो लोग हिंदुस्तान के अंदर में माइग्रेट करके आए उनके बारे में ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि उनके माइग्रेशन की सबसे बड़ी वजह जो रही वो उनका इकोनॉमिक कंपल्शन था, उनकी माशी मजबूरी थी। और जब वो 1971 और उसके बाद में भी यहां पर आते रहे तो हमारे यहां पर आने वाले अतिथि को क्या समझा जाता है मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं। हमने अपने घरों के दरवाजे ही नहीं, अपने दिलों के दरवाजे भी उनके लिए खोले। अब जिन लोगों को वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी थी उन्होंने वो भी कर ली। आज की तारीख में जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में हैं हिंदुस्तान का शहरी साबित करने के लिए उसे कहीं ज्यादा डॉक्यूमेंट्स उनके पास में। ये बात को समझते चले, छोटी से छोटी इलेक्शन की स्लिप भी जो आती है वो हमारा शरणार्थी जो है बचा करके रखता है, क्योंकि उसको मालूम है कि कल को मुझे इसका इस्तेमाल करना हो। आसाम बांग्लादेश से जुड़ा हुआ और वहां पर जब हजारों की संख्या में ये शरणार्थी आए और बहुत बरसों तक रह बस गए, तो ये यूजुअल सॉर्ट ऑफ कंफ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो ही जाता है। आसाम के मूल निवासियों का ये मानना हुआ कि इनकी प्रेजेंस हमारे एग्जिस्टेंस के लिए डेंजरस है, हमारे कल्चर के लिए, हमारे लैंग्वेज के लिए। और उसके बाद में वहां पर जो एजिटेशन चला है वी मे नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट, लेकिन उसके अंदर में कम्युनल हिस्ट्री भी रही है, दिल्ली का मसाकार भी आपको याद आ रहा होगा, ये सारी चीजें उस वक्त हुई। और होने के बाद में एक ऐसा सरचार्ज एटमॉस्फियर क्रिएट हुआ जिसके अंदर में आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट ने ये मुनासिब समझा, ये उचित जाना कि आसाम के अंदर में घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करने की कोई एक्सरसाइज हो। और फिर उसके बाद में आपने नाम सुना होगा प्रतीक हजेला जी का, आईएएस ऑफिसर थे और उनकी सुपरविजन में ये पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। और ये समझा जाता है कि करीब 6000 स्टेट एम्प्लॉयज, 1600 करोड़ रुपए और 6 वर्षों की अंथक मेहनत।
और ये पूरे उस पूरी यूं कह लीजिए कि एक्सरसाइज के बाद में जो रिजल्ट सामने आया वो अनएक्सपेक्टेड था। अगर मैं भयानक कहूं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि 19 लाख का फिगर तो अब आया है। पहली बार जब एनआरसी पब्लिश हुई तो अराउंड 40 लाख ऑफ द पीपल वर आउट ऑफ एनआरसी। बाद में फॉरेन ट्रिब्यूनल के जरिए से करीब 21 लाख लोगों को राहत मिली, लेकिन अब भी 19 लाख ऐसे हैं जो गैर शहरी करार दिए गए। एक्सरसाइज ऐसी थी या इंटेंशन इस प्रकार का था कि इस एक्सरसाइज के करने के नतीजे में हम बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन जब हैफजार्ड अंदाज में ये पूरी एक्सरसाइज हुई और जिसके चलते आज जिन लोगों ने एक्सरसाइज करवाई थी उनका भी मानना है कि इट वॉज नॉट अ फ्लॉलेस एक्सरसाइज, बल्कि अपने आप में एक ऐसी एक्सरसाइज थी जिसके बारे में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह जो है बाद में लोगों ने उठाए। अब 19 लाख लोगों के बारे में जब प्रश्न उठा तो फिर हमारे यहां पर गलती से हर एक चीज को जो है धर्म की ऐनक से देखा जाता है। तो ये 19 लाख में से कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है ये भी देखा जाएगा, और देखने पर पता चला कि 14 लाख जो है वो हमारे हिंदू भाई हैं और करीब 5 लाख जो है मुसलमान भाई। तो अब क्या किया जाए, हमने तो सोचा कुछ था और नतीजा जो आया वो हमारी उम्मीदों के और हमारी आशा के बिल्कुल विरोध करने वाला था। तो फिर होता ये है कि चलिए अब कोई जादुई छड़ी चलाते हैं, जितने भी गैर मुल्की गैर मुस्लिम घुसपैठिए हैं उन सबके सरों पर से जादुई छड़ी हो गया, क्योंकि बिल पास होने के बाद में एक्ट बन जाता है और उसके बाद में एनआरसी लागू होगा। तो क्या चाहा जा रहा था कैब के जरिए से, अब जो कानून बना है उसके बारे में हम सभी जानते हैं कि एटलीस्ट 6 रिलीजियस डिनोमिनेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है, 3 पड़ोसी देशों को आइडेंटिफाई किया गया है, और यह कहा गया है कि इन 3 पड़ोसी देशों से हिंदू बौद्ध सिख इसी तरह से पारसी क्रिश्चियन और एक में मिस आउट कर गया जैनिस, ये जो 6 रिलीजियस डिनोमिनेशन को बिलोंग करने वाले लोग हैं जो इन 3 देशों से हिंदुस्तान के अंदर में आकर रह बस गए हैं, इन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। अब वो प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन के जरिए से हो सकता है या दूसरा जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उसके माध्यम से। अब जब ये कानून बनाया गया तो नेचुरली ये सवाल पूछा गया कि आपने 6 रिलीजियस डिनोमिनेशन को आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन मुसलमानों को क्यों एक्सक्लूड कर दिया गया है? और मुसलमानों को एक्सक्लूड करने की उस वक्त जो कारण दिया गया था, ये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में भी है आपके इस कानून के बनाने से पहले, या कोई भी कानून जब बनता है तो उसके पहले एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस होता है, उसको हम एसओआर कहते हैं। उसके अंदर में कानून क्यों बनाया जा रहा है उनके कारणों का उल्लेख किया जाता है। तो एसओआर के अंदर में इस प्रकार का कानून बनाने के लिए जिन कारणों का उल्लेख किया गया है उसमें प्रमुख कारण यह है कि ये 6 रिलीजियस डिनोमिनेशंस तक ही हम ये कंसेशन को सीमित रख रहे हैं। उसका कारण यह है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश यहां से आए हुए ये शरणार्थी जो है, यहां से आए हुए ये 6 रिलीजियस डिनोमिनेशन से जुड़े हुए जो नॉन मुस्लिम्स हैं, दे वर रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड इन देयर ओन कंट्री and that was the reason they migrated to India, and being religiously persecuted minorities we owe an obligation to them to grant Indian citizenship to them. Ab ye statement of reason hai aapke liye, aur thoda sa maine jo itihas hai wo aapke samne rakha. Jitne log Hindustan ke andar mein in 3 deshon se aaye hue hain hamare gair muslim bhaiyon ke bare mein, दिल पर हाथ रखकर के हुकूमत कह दे कि ये सब जो है रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड थे और उसके लिए वो इंडिया में आ गए। हकीकत से अगर कोई जान बूझ करके आंखें मूंद लेना चाहे तो बात अलग है। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, और जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वो भी जानता है कि 71 के अंदर में बांग्लादेश से खासकर हिंदुस्तान के अंदर में आने वाले जो लोग थे हिंदू मुस्लिम सभी, उन लोगों के आने का कारण क्या था? Was the religious persecution only reason why these multitude of people came to India and settled over here?
or was there any other compelling reason which drew them out from their own country and made them to migrate to India? सीधी सीधी बात है, जो ऐतिहासिक सच है वो ये है कि माइग्रेशन का हमेशा से जो मेन कारण रहा है वो इकोनॉमिक कंपल्शन रहा है। कि ठीक है कि ऑफ लेट रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हैज बीन अ रीजन, बर्मा के अंदर में ये चीज हुई कि जहां पर रोहिंग्यास के साथ में वो हरकत की गई और उसके लिए कारण सिर्फ इतना ही था कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते थे। तो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की मिसाल अगर कोई पूछना चाहता है तो बर्मा की मिसाल है, श्रीलंका के तमिल की भी मिसाल है, तमिल हिंदुओं की मिसाल है, बीइंग एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी थी और उन लोगों को भी वहां पर सताया गया था, उनका भी वहां पर रहना दुश्वार हो गया था और इसके लिए देवेर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन वॉज देयर। लेकिन इन तीन कंट्रीज के सिलसिले में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन वॉज द ओनली रीजन फॉर द माइग्रेशन, ये एक ऐसी बात है जो आसानी से हजम नहीं होगी आप देखिए। फिर एक दूसरी सवाल ये भी पैदा होता है कि स्टेटमेंट ऑफ रीजन में अगर आप ये बात कहते हैं कि इनको नागरिकता इसलिए दी जाएगी क्योंकि ये धार्मिक रूप से अपने मुल्कों में सताए गए थे, अपने देशों में परेशान किए गए थे, तो फिर ये कारण जो आपने एसओआर में लिखा है Why it is not incorporated as a requirement for grant of citizenship in the Act itself? इस बात को ध्यान में रखें, Citizenship Amendment Act के अंदर में religious persecution is not an essential for grant of Indian citizenship. Statement of reason में जरूर है, लेकिन जब आप भारत की नागरिकता देने की बात करते हैं और धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को देना चाहते हैं तो फिर इसको जो है precondition बनानी चाहिए कहते हैं कि ये नागरिकता का कंसेशन, ये नागरिकता की रियायत उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो धार्मिक रूप से अपने उन देशों में प्रताड़ित थे। लेकिन एक्ट हमने पढ़ा, एक्ट के अंदर में कहीं भी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन एज एन एसेंशियल फॉर ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इज नॉट गिवन। आई डू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटमेंट ऑफ रीजन एंड द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन एंड द एक्ट, इसके बीच में संबंध होता है, नहीं ऐसा, लेकिन एसेंशियल नहीं। एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है जिसके चलते स्टेटमेंट ऑफ रीजन एंड ऑब्जेक्ट बनाया जाता है कायदे को बनाने के लिए। और शायद यही बात उनके एट द बैक ऑफ माइंड भी है कि जब हम गैर मुस्लिम गैर मुल्कियों को हिंदुस्तान की शहरियत देंगे और उस बिना पर देना चाहेंगे कि वो वहां पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित थे, तो ये बात एक्ट में नहीं होने की वजह से ये एक एसेंशियल नहीं रहेगा, ये कोई आवश्यक नहीं रहेगा कि वो ये बात साबित ही करे। तो मेरे कहना का और मैं समझना भी चाहता हूं कि आपने जिस कारण से नागरिकता देने के इस प्रोसेस को इन सिक्स रिलीजियस डिनोमिनेशंस तक ही सीमित किया है वो कारण थोड़ा संदिग्ध लगता है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन में तो ये कारण है, एक्ट में ये कारण नहीं। और फिर उसके बाद में ये कारण जो है कहने के लिए ये कारण कहा जा रहा है, ऐसा हमारा मानना है। अदरवाइज आने वाले जितने भी थे, फिर वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, उन सब के लिए प्रमुख कारण यही था कि बांग्लादेश के अंदर में उनकी रोजी रोटी का साधन कम से कम था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सीए को लेकर के जो बहस छिड़ी हुई है उसके अंदर में हिंदुस्तान के सभी सही सोच रखने वालों का ये मानना है कि ये एक ऐसा कानून बन गया जो हिंदुस्तान के संविधान से और हिंदुस्तान के सेक्युलर कैरेक्टर से अपोज करता है, उससे मेल नहीं खाता। अब उसमें दो तीन बातें जो बहुत दिनों से कही जा रही है और लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ गई है, एक तो हमारी प्रस्तावना है, प्रीएम्बल, जिसके अंदर में भारत के सिलसिले में ये बात लिखी गई है कि चूंकि ये बहुधर्मीय किस्म का देश है, इसके लिए स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, इट विल बी अ सेक्युलर स्टेट। फिर इसी तरह से 14 पर जब हम आते हैं तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाली बात आती है। तो एक तो यह कि धर्म निरपेक्षता, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1, एंड सेकेंडली इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 14 जो है वो सिटीजन की बात नहीं करती, आर्टिकल 14 के अंदर में जो प्रोटेक्शन दिया गया है वो हिंदुस्तान के अंदर में रहने बसने वाले सबको दिया गया है। वहां पर लव सिटीजन कहीं नहीं आया है, वहां पर ये आया है कि पीपल हु आर रिसाइडिंग विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया दे विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड।
उनके साथ में जो इक्वलिटी का बर्ताव किया जाएगा, जो लीगल प्रोटेक्शन हासिल है उन सबको हासिल रखें। अब ये दो कारणों से ये बात कही जा रही है कि अगर ये बात थी तो फिर ये नए एक्ट के अंदर में आपने जो प्रोटेक्शन दिया वो हिंदुस्तान के अंदर में रहने बसने वाले गैर मुस्लिम गैर मुल्कियों को ही क्यों दिया? यही प्रोटेक्शन यहां पर आपने मुस्लिम गैर मुल्कियों को, मुस्लिम शरणार्थियों को क्यों नहीं दिया? एक बात। फिर दूसरी बात यह आती है कि ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का हक प्रदान करने वाली बात जो है उसके लिए जो मूलभूत तत्व हमारे संविधान के अंदर में और इसी तरह से सिटीजनशिप एक्ट के अंदर में है वो दो ही है। वो दो मूलभूत तत्व क्या थे? 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बना तो सबसे पहली बात नागरिकता के सिलसिले में वहीं पर हम लोगों को मिलती कि वो लोग जो भारत में 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्षों से रह रहे हैं उन सब लोगों को भारत की नागरिकता, वो सब भारत के नागरिक हैं। तो पता यह चलता है कि रहवास की बिना पर नागरिकता सर्वप्रथम 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान के माध्यम से दी गई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह भी हक प्रदान किया गया था कि वो सिटीजनशिप के सिलसिले में बाकायदा कानून बनाए और 1955 वो कानून बना जिसको हम सिटीजनशिप एक्ट या नागरिकता कानून के नाम से जानते हैं। अब संविधान के अंदर में जो प्रावधान था वो उन लोगों के लिए था जो 26 जनवरी 1950 से पहले भारत के अंदर में रह बसे। अब उनका क्या जो 26 जनवरी 1950 के बाद हिंदुस्तान के अंदर में पैदा हुआ? तो ये बात आई 1955 के कायदे में कि 1987 की एक पर्टिकुलर डेट है उसके पहले जो लोग हिंदुस्तान के अंदर में पैदा हो गए हैं वो हिंदुस्तान के नागरिक हों। तो पहले रहवास की बिना पर नागरिकता और बाद में बर्थ जिसको कहते हैं पैदाइश जन्म की बिना पर नागरिकता, बाद में भी संशोधन हुए कायदे में लेकिन ये दो जो मूलभूत तत्व है इनको डिस्टर्ब नहीं किया गया। बाद में यह जरूर कहा गया कि न सिर्फ जन्म बल्कि तुम्हारे माता पिता में से कोई एक और बाद में जाकर के तुम्हारे माता पिता दोनों हिंदुस्तान के नागरिक हो। तो ये एडिशनल कंडीशंस बाद में लगाई गई लेकिन उन मूलभूत तत्वों को कहीं भी डिस्टर्ब नहीं किया, बर्थ जन्म या रहवास, इन दो ये दो ही बिना रही और ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज किस्म की चीज है। ये हमारे भारत के लिए विशेष ऐसा नहीं, आप अमेरिका में चले जाए वहां पर जन्म की बिना पर जो है नागरिकता दी जाती है। हमारे जो इंडियन कपल्स वहां जाकर के रह जाते हैं और वहां जो बच्चे पैदा होते हैं उनको जो है ऑटोमेटिकली अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाती है क्योंकि वो वहां पैदा होते हैं। तो ये जो तो मूलभूत तत्व है इनसे उस वक्त छेड़खानी की गई जब आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में आपने तीसरी बुनियाद पर ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप लाई और वो था धर्म। यहां आकर के बाद जो है पहली दो बुनियादों से टकरा गई कि कहां अब तक के हिंदुस्तान के अंदर में नागरिकता प्रदान करने की दो बुनियादें थी, एक तो रहवास था और दूसरा जन्म था, लेकिन अब इन दोनों बुनियादों के अंदर में ये तीसरी बुनियाद आ। तो ये भी एक ऐसी चीज थी जो हमारे प्रचलित कायदों को से मेल नहीं खाती थी, उनसे भिन्न थी, उनका विप्रयास करने वाली। तो ऐसे में इस कानून को लेकर लोगों के अंदर में एक प्रकार की भावना प्रकट हुई है कि ये कानून जो है हमारे दस्तूर के मूलभूत तत्वों की यूं कह लीजिए कि अवहेलना करने वाला है, उनको निगेटिव करने वाला है, उनकी नफी करने वाला है। और हिंदुस्तान भर के अंदर में ये जो एजुकेशन इस वक्त झुट चल रहा है इसके अंदर में सभी राइट थिंकिंग इंडियंस जो है शामिल। पोलराइजेशन की बात लोगों ने सोची होगी और ये समझा होगा कि इसके जरिए से सिर्फ मुसलमान ही इस कानून का विरोध करने के लिए सड़कों पर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ के लोगों के अंदर में आज भी अच्छी सोच बाकी है। आपने दिल्ली का इलेक्शन कैसे लड़ा आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन एक जागरूक हिंदुस्तानी, एक जागरूक भारतीय जानता है कि मुझे अब वोट किसको देना है, मुझको और धर्म की राजनीति करने वालों को देना है या मुझको और जो है विकास जो लोग करने वाले हैं उनको देना है। हर तरह की तोप दागी गई। आप देखिए बड़े बड़े यूं कह लीजिए कि सारी मिनिस्टर्स से लेकर एमपी से लेकर स्टेट के चीफ मिनिस्टर लाकर के सब खड़े कर दिए।
और ये चाहा गया कि किसी तरह से इस हुकूमत का तख्ता पलट जाए, इट ऑट टू बी रिड्यूस्ड इनटू अ माइनॉरिटी। लेकिन आज ही जो रिजल्ट्स आए हैं उनसे बात साफ हो जाए। हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि ये देश के अंदर में ये बहुधर्मीय लोग एक दो वर्षों से नहीं, कई दहाइयों से, बल्कि अगर मैं गलत नहीं कहूं तो कई शतकों से ये साथ में रहते आए हैं। इन लोगों के अंदर में इस प्रकार का बॉन्ड क्रिएट हो गया है। मैं एक वकील हूं, मेरे एटलीस्ट 80-90% जो क्लाइंट्स हैं वो मेरे गैर मुस्लिम भाई हैं, मेरे हिंदू भाई। लेकिन क्यों मेरे पास आते हैं? उनको क्या उनकी अपने बराबरी की, उनने अपने धर्म के हिंदू वकील दिखाई नहीं देते? अगर वो धर्म की बिना पर ही भेदभाव करने वाले होते तो मेरे पास आने के बाबत बजाय अपने ही धर्म के जो वकील हैं उनके पास चले जाए। लेकिन ये इस देश की एक विशेषता है कि यहाँ की जो अवाम है, यहाँ की जो पब्लिक है, वो धर्म की अनक से नहीं देखती अपने भाई। और ये जो इसकी विशेषता है, इस विशेषता से छेड़खानी करना, ये इस जैसे कि हमारे सबसे पहले स्पीकर ने कहा था, ये भारत की आत्मा है, ये भारत की रूह है, इसके साथ में छेड़खानी करने के साथ। और हमेशा ऐसे तत्व जब जब उठे, ऐसे तत्वों ने जब नई दिल्ली के राज्य के इसमें इलेक्शन के अंदर में उठने की कोशिश की, उन्होंने यह मैसेज दिया कि हमें आप उस बुनियाद पर मत लड़ाइए, हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान जो करेगा हमारा वोट उसके हक में। और ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा रिजल्ट आया है जिसने खुलकर भारत के रहने वालों के एहसासात की और ख्यालात की तर्जुमानी, ये अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। अब यहां पर थोड़ा सा मैंने आपके सामने सीए के प्रति जो विचार थे वो रखे। अब एक थोड़े से टाइम में हम लोग एनआरसी और एनपीआर की बात भी कर लेते हैं। तो सीए के लिए हमारा विरोध क्यों है? क्योंकि हम इसे असंवैधानिक समझते हैं। संविधान के अंदर में और सिटीजनशिप एक्ट के अंदर में और दुनिया भर में नागरिकता देने के दो ही प्रमाण रहे, दो ही मापदंड रहे, और वो मापदंड रहे हैं रहिवास और जन्म। रहिवास और जन्म के जो मापदंड हैं, इनके अंदर में आपने ये तीसरा मापदंड धर्म का जो लाया है, ये दुनिया के किसी भी देश के अंदर में एक्सपेक्टेड नॉर्म नहीं है। और ये एक ऐसा नॉर्म आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसके नतीजे में हिंदुस्तान वासियों के दरमियान में आने वाले सारे वर्षों के लिए एक तरह का यूं कह लीजिए कि धर्म के नाम पर न सिर्फ भेदभाव होगा बल्कि लोग एक दूसरे को इसी बिना पर आइडेंटिफाई करने जाएंगे। हमारे यहां कहते हैं बादशाह वो जो रियाया परवर होता है,